बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, और इंडिया टुडे कार्वे ग्रुप के सर्वे में ऐसा होता दिख रहा है, इस बात पर मुहर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आज चुनाव होते हैं तो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 349 सीट मिलती है। तीन साल पहले 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के रूप में नरेंद्र मोदी का जो जादू सामने आया था, तीन साल बाद भी हिंदुस्तान में मोदी का वो मैजिक कायम है। इस बात की मुनादी कर रहा है पिछले महीने जुलाई में हुआ इंडिया टुडे ग्रुप कार्वी इनसाइट का ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल के मुताबिक आज अगर चुनाव हुए तो एनडीए की झोली में 42% वोट गिरेंगे। यूपीए 28% वोट के साथ काफी पीछे है, जबकि अन्य के खाते में 30% वोट आएंगे। छह महीने पहले जनवरी में हुए सर्वे से तुलना करें तो एनडीए की लोकप्रियता स्थिर बनी हुई है, लेकिन यूपीए की स्थिति 3% सुधरी है, जबकि इतनी ही गिरावट अन्य पार्टियों की लोकप्रियता में हुई है। अब अगर इस वोट शेयर को सीट में बदल दें तो जुलाई में हुए सर्वे के मुताबिक एनडीए 349 सीट जीतती नजर आ रही है। आज चुनाव होने की स्थिति में यूपीए की झोली में सिर्फ 75 सीटें आएंगी, जबकि अन्य दल 119 सीट पाएंगे। जाहिर है आज की तारीख में भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ साफ तौर पर सरकार बनाएगी, लेकिन अगर जनवरी के सर्वे से तुलना करें तो एनडीए की सीटों में गिरावट दर्ज हुई है। जनवरी में एनडीए को 360 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, यानी 11 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। इसका 15 सीटों का सीधा फायदा यूपीए को मिला है। एनडीए से 11 सीटें झटकने के साथ यूपीए अन्यों से भी 4 सीटें झटकता नजर आ रहा है। देखिए, एक बात को समझिए, हिंदुस्तान बदल रहा है, और हिंदुस्तान बदल रहा है, देश बदल रहा है। जिस तरह से हमारी सरकार ईमानदारी से चली है, भारत का मान बढ़ रहा है, जिस तरह से आज गरीबों के लिए काम हो रहा है, जिस तरह से मोदी जी ने एक साहसिक निर्णय किया, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो। और देखिए, आप कभी छुपा नहीं सकते हैं कि 14 में भारत की क्या स्थिति थी। आज 3 साल हो गया, किसी के खिलाफ कोई दाग नहीं है। खैर, ये तो था गठबंधन का आंकड़ा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति में क्या फर्क आया है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट के ओपिनियन पोल के मुताबिक आज अगर चुनाव हुए तो 35% वोट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। उससे 15% कम वोट कांग्रेस को मिलेंगे, जबकि अन्य पार्टियां 45% वोट हासिल करने में कामयाब होंगी। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट के ओपिनियन पोल से साफ है कि 3 साल बाद मोदी सरकार की लोकप्रियता बनी हुई है। 6 महीने में विपक्ष बेहद मामूली रूप से अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब होता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए को दूर दूर तक चुनौती मिलती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो। तो ये सर्वे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपराजय दिखा रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसके पीछे भी कई वजह हैं। दरअसल नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, ये तमाम वो फैसले रहे हैं सरकार के जिन्होंने मोदी सरकार को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। लेकिन इसके साथ ही साथ इस सर्वे में कई ऐसी वजहें उभरी हैं, ऐसी समस्याएं उभरी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर 2019 जीतना है। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी काले धन पर लगाम लगाने का जो वादा कर रहे थे, उस पर इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट के ओपिनियन पोल के नतीजे ने भी मुहर लगा दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक काले धन के खिलाफ मुहिम मोदी सरकार की उपलब्धियों में सबसे ऊपर है। सर्वे के मुताबिक 23% लोगों ने इसे मोदी सरकार की सबसे महान उपलब्धि बताया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और नोटबंदी को 14% लोगों ने बड़ी उपलब्धि बताया है, तो 11% की नजर में स्वच्छ भारत अभियान और 9% के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर काले धन पर चोट, पीएम मोदी के ये दो कदम आज भी जनता की नजरों में मास्टर स्ट्रोक बने हुए हैं। जब हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि नए नोट के रूप में फिर से अर्थव्यवस्था में काला धन लौट आया है, तो जवाब सुनिए। 45% लोग मानते हैं कि नोटबंदी से काला धन हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन 36% का कहना है कि अब नए नोट के रूप में काला धन पैदा हो गया है। 19% लोगों की कोई राय नहीं है। 1 जुलाई को आधी रात के सत्र में एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी का घंटा बजा था। लोगों की नजर में अर्थव्यवस्था को सुधारने में मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। 39% की राय में जीएसटी से जरूरी चीजों की महंगाई रोकने में मदद मिलेगी, जबकि 33% ऐसा नहीं मानते। अर्थव्यवस्था किसी भी सरकार की कामयाबी का पैमाना होती है। इस मोर्चे पर भी मोदी सरकार हिट साबित हुई है।
हमने मुद्रा योजना में 7 करोड़ लोगों को 4 लाख करोड़ रुपया दिया है, चाय वाले, ठेले वाले, गुमटी वाले, छोटा काम करने वाले, और इसमें 2/3 महिलाएं हैं, पिछड़े, आदिवासी, दलित हैं। अगर इन 7 करोड़ में से आधे लोगों ने भी एक एक आदमी एक्स्ट्रा रखा होगा लोन देने के बाद, तो लगभग 3 करोड़ लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली। मैं देश का आईटी मंत्री हूं, आपका स्टूडियो नोएडा में है, भारत में पिछले 3 वर्षों में 82 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आ गई है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी और 3 लाख लोगों को इनडायरेक्ट मिली है। जरूरी चीजों के दाम और रोजगार के सिकुड़ते मौके यकीनन सरकार की चिंता और लोगों की बेचैनी में सबसे ऊपर है। जब सर्वे में सवाल किया गया क्या सरकार पिछले 3 साल में पूरे देश में नौकरी पैदा करने में कामयाब रही है, तो 11% ने कहा हाँ, मामूली तौर पर रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि 6 महीने पहले 26% ने सुधार की बात कही थी, यानी 15% लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। रोजगार के हालात में बहुत ज्यादा सुधार की बात 2% लोगों ने की है, यानी 13% लोगों को रोजगार के मोर्चे पर हालात सुधरे नजर आ रहे हैं, जबकि 6 महीने पहले ये आंकड़ा 35% था। 31% ने रोजगार के हालात को पहले जैसा बताया है, 20% मानते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए, जबकि 33% लोग हालात को बेहतर मान रहे हैं, यानी 53% लोग रोजगार के मोर्चे पर हालात खराब मान रहे हैं। 6 महीने पहले सिर्फ 36% ऐसा मानते थे। यही हाल महंगाई का भी है। हमारा सवाल था कि दाल, टमाटर, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के दाम पिछले 3 साल में किस तरह बदले हैं। 9% किराए में जरूरी चीजों के दाम घटे हैं, 2% मानते हैं दाम काफी घटे हैं, जबकि 24% किराए में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन 24% मानते हैं कि जरूरी चीजों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, 38% मानते हैं कि थोड़ा इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर 62% किराए में जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ी है। पिछले सर्वे के मुताबिक ऐसा सोचने वालों में 3% का इजाफा हुआ है। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट ओपिनियन पोल के नतीजों से साफ है कि कई मोर्चों पर कामयाबी की वजह से मोदी सरकार बेशक आज भी सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर किला फतह करना बाकी है। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे और कार्वी के इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानायक बनकर उभरे हैं। लोगों ने उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री चुना है और उन्हें नेहरू और इंदिरा गांधी से भी ऊपर रखा गया है। मोदी जहां भी जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो या फिर 7 समंदर पार का कोई देश, मोदी की लोकप्रियता का जवाब नहीं। पीएम मोदी की बातें, उनका विजन लोगों को खूब लुभा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं? क्या नेहरू, इंदिरा ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया है? इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट के ओपिनियन पोल का जवाब है हाँ। ओपिनियन पोल के मुताबिक 33% लोग नरेंद्र मोदी को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं। इंदिरा गांधी को 17% लोगों ने सर्वश्रेष्ठ पीएम माना है। 16% वोट से मोदी इंदिरा से आगे हैं। सर्वश्रेष्ठ पीएम में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें 9% लोगों ने पसंद किया है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी 8 और 9% के साथ क्रमशः 4थे और 5वें नंबर पर हैं। जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री 6ठे और मुरारजी देसाई 7वें नंबर पर हैं। देश में आर्थिक सुधार लागू करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 8वें नंबर पर हैं, जबकि मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने जैसा क्रांतिकारी कदम उठाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह 10वें नंबर पर हैं। ओपिनियन पोल के नतीजों से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी ऑल टाइम ग्रेट पीएम बन गए हैं। मोदी को अगर ओपिनियन पोल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ पीएम बताया जा रहा है तो इसकी वजह भी है, वो जब से पीएम बने हैं ज्यादातर मोर्चों पर उन्हें कामयाबी मिली है। मई 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई। मोदी के कार्यकाल में ही पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बीजेपी के हैं। बीजेपी राज्यसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने में कामयाब रही। जाहिर है देश के नब्ज पर मोदी की पकड़ साफ नजर आ रही है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां मोदी अभी इंदिरा गांधी से पीछे हैं। इन आंकड़ों को देखिए, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच मोदी अभी भी इंदिरा गांधी के मुकाबले कम लोकप्रिय हैं। वहीं अगर इलाकाई आधार पर देखें तो दक्षिण भारत में अभी भी वो इंदिरा गांधी पर बढ़त नहीं बना पाए हैं। सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन के नारे के साथ मोदी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए थे।
ओपिनियन पोल के नतीजे मोदी के सुनहरे राजनीतिक करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय की तरह हैं। आज तक ब्यूरो। तो सर्वे ये साफ कर रहा है कि किस तरह से 2019 में भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मिशन 2019 में बीजेपी बाजी मार रही है।